तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। बिग बॉस 13 के फर्स्ट कंटेस्टेंट और विनर सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ के बाद उनके फैंस और फैमिली का बहुत बुरा हाल है। अपनी माँ को अकेले सिद्धार्थ के निधन के बाद सिद्धार्थ के करीबी लोगों का बहुत बुरा हाल है। उनके जाने का गम वो सहन नहीं कर पा रहे और उनके फैंस तो मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है और वो हमारे बीच अभी नहीं रहे। सिद्धार्थ शुक्ला की बिग बॉस जर्नी के बाद सिद्धार्थ को जो नहीं जानते थे वो भी अब उनको जानने लगे थे। उन्होंने अपने चार्म इंटेलिजेंस से सबका दिल जीत लिया था। बिग बॉस के घर में मिले सिद्धार्थ और शहनाज का बॉन्ड भी दर्शकों को काफ़ी पसंद आ गया था। लोगों को इतना पसंद आया था कि हैशटैग सिडनास करके चलाया गया था। पर अब सिद्धार्थ के आने के बाद शहनाज का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया है। सिद्धार्थ को गए हुए आज 16 दिन हो गए पर शहनाज का गम कम नहीं हुआ। उनको सपोर्ट करने के लिए सिद्धार्थ के बेस्ट फ्रेंड असीम रियाज उनके फैमिली और शहनाज से मिलने गए। असीम रियाज के साथ हिमांशी खुराना भी शहनाज को सपोर्ट करने के लिए असीम के साथ पहुंची। साथ ही साथ रश्मि देसाई भी सिद्धार्थ की माँ से और शहनाज से मिलने पहुंची। हमेशा खुश रहने वाली शहनाज पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो ऐसे में दोस्तों का साथ ही उनको हौसला दे रहा है।